बहुत दूर तक घूमेंगे और आप लोग को घुमाएंगे और नदी भी दिखाएंगे। तो हम अपने गांव का एरिया घुमाते हैं आप लोगों को। देखिए मेरे गांव का एरिया, यहां पूरे साफ रोड है। दीपक जा रहा है साइकिल से। ये रास्ता सीधे नदी की ओर जा रहा है। हम लोग नदी में जा रहे हैं गंडक के पास। देखिए दोस्तों कितना हरा भरा हरियाली है हम लोगों के इधर, और इधर गाय है। बकरी भी है, सब बच्चे सब खेलते हैं। इतना अच्छा, प्रदूषण से दूर एरिया है, एकदम अच्छा। ठंडा ठंडा हवा भी बह रहा है। देखिए इधर चौर जहाँ धान के खेती होता है। वहाँ गया हम लोग, सीधे जा रहे हैं सीधे। देखिए दोस्तों ये रास्ता जो गंडक की ओर गया है, रास्ता पीचिंग है। स्वच्छ वातावरण, सेहत फ्री एरिया दोस्तों इसे ही कहते हैं। इधर कितना सारा बकरी है। कितना सारा बकरी है इधर, खाली बकरी का पालन होता है। सब खेत में बकरी ही दिख रहा है।
देव आगे आगे अकेले जा रहा है, दूर तक देखिए यहाँ घर नहीं है, दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली, कहीं कहीं पे घर दिख रहा है और पालतू जानवर भी है। जल्दी जल्दी चलो अंतु, बारिश भी हो जाएगी और साथ में अंधेरा भी, पूरा घूमना है ना, चलो जल्दी। हाँ। दोस्तों बहुत ही मन लगता है हरा भरा हरियाली के बीच में देखिए घूमने में, स्वच्छ हवा और प्रदूषण से दूर एरिया जिसे हम लोग कह सकते हैं सेहत फ्री एरिया, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। बहुत दिन पे आए हैं घूमने के लिए, कम से कम 6 साल हो गया, 6 साल पर इस एरिया में हम लोग घूमने के लिए आए हैं। चलिए घूमते हैं और दिखाती हूँ, देखिए भैंस है, काली भैंस, और इस सुनसान जगह में भी घर है कहीं कहीं पे। दोस्तों चढ़ानी है, पहाड़ जैसे चढ़ानी चढ़ रहे हैं, वाह हवा भी कितना अच्छा बह रहा है, ठंडा ठंडा बसंती हवा, कितना अच्छा एरिया है। दिखाती हूँ इधर भी देखिए, दूर दूर तक घर नहीं दिखता है, कहीं कहीं झोपड़ी है, और साथ ही इधर भी सिर्फ जंगल ही जंगल, और गंडक देखिए इधर गंडक है जो खेत में भी पानी आ गया बढ़ा है, तो इधर से देखिए दोस्तों गंडक, वो नदी है, हम अभी खड़े हैं जहाँ पर बांध है, और बांध पर भी यहाँ जो है पीचिंग हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा गांव कैसा, गांव देखिए कैसा लग रहा है। लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करिएगा और भूलिएगा नहीं। तो चलिए और भी दिखाते हैं सेहत फ्री एरिया, प्रदूषण से दूर। अब हूँ यहाँ का हवा, मम्मी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा रहते थे। जाओ जा रही है हमको भी आता है, ला ना चलाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ चौर में भी घर बन रहा है, घर बन रहा है क्या, घर बन रहा है, और बारिश के पानी जो है ऊपर से सीढ़ी ले जाती बुआगे, तब ना होता, भर गया है, कितना अच्छा। इन्हीं माया भी जी चाची यून ने मार दी, तो घटा मार है क्या, लोग घटा मार है, रोड ना ना दी ये जाने नहीं चल जाती, अपना वो दिन सामने ना वो अच्छी भोला बाबा है, वो जो से हम दूर आ गए, तुम चल गए आता दूर नहीं जा सकल है, अपना मोहल्ला में दिखे थे। देखिए वही गंडक है ना मम्मी, लग नहीं रहा है दूरी से, नदी ना इस देखिए धारा के एन्ने कोची करे अलखिन एत्ता दूर। दोस्तों यहाँ से देखिए कितना स्पष्ट गंडक दिख रहा है, ये बता
ये देखिए जनेरा जो रोपा हुआ है यही खेत मेरे पापा जी का है। देखिए मेरे बड़ के ससुर जी आ रहे हैं। क्या हुआ है, आज हम लोग बहुत दूर घूमने वाले हैं और आप लोगों को भी घुमाने वाले हैं। हम अपने खांटी देहात चौर ससुराल है जिस एरिया में, खाली देखिएगा तो सिर्फ चौर ही चौर दिखेगा हम लोगों के, इधर घर कम बस्ती कम और चौर ही चौर, हरा भरा हरियाली। देखिए मम्मी यार भी आ रही है और इधर साथ देखिए चारों तरफ ना। देखिए पानी पूरा भरा हुआ है, ये सब बारिश का पानी है, सब धान में भरा हुआ है। किसान वाला ना है, धान ना खाता है बकरी, धान ना खाता है, खाली धान चरै छे। देखिए सब यहाँ मछली मार रहे हैं बच्चा सब, पानी में जो है ना मछली आया है बारिश वाला पानी। ये देख चल ना कच्ची। देखिए दोस्तों इधर भी बांध के नीचे झोपड़ी है, बहुत अच्छा हवा बह रहा है इधर। देखिए दोस्तों बांध के ये पट्टी हम लोग है, बांध के वो पट्टी दिख रहा है सब। दीपक आप कितना साइकिल चलाएगा? अरे हसुआ दो ना रे, जनेरा कटाएगा। हसुआ देता है साइकिल देता है। इधर मैं चल रही मदन साहब घर, तो मैं तो घूमते ना हो तो मदन साहब के घर तो दुकान तो मैं आओ घर चल जाओ। मारे हो गए यार होते तो रोड धोकर, रोड धोकर ले जाओ तोड़ा आर के दूसरी घर ना। हाँ हाँ रोड धोकर चल गिर खड़ा कितना बार गया। पहले एक बहुत भीड़ रहे होता में। अरे हसुआ दो ना जनेरा कटाएगा। साइकिल चलो
चलते चलते पैर भी दुख गया है दोस्तों, आके पैर दबा दिया है हम लोगों को। चलते चलते थोड़ा दूर और चलेंगे। देखिए हमारे गोतनी कितना खुश है, सैर करने के लिए निकले हैं जेठ जी के छोड़ कर। देवरानी जी, देवर जी के छोड़ के आए हैं जेठ जी को। मेरा देवरानी है तो देवर को छोड़ के आए हैं। जेठ जी का छोड़ दिया है, मस्ती कर रहे हैं यहाँ बांध कात में आकर, सब सूट कर रहे हैं, सब देखेंगे ना क्या क्या गुल खिलाए है ये सब। गया है पूरे देखिए यहाँ पर झोपड़ी है, छोटा महादेव का मंदिर बनेगा इस जगह पर। कंकर कर पानी यहाँ पर देखिए शिवलिंग रखे हुए हैं, चंदा सुल के सब मंदिर बनाएंगे नदी के कात में। और ये रास्ता ले वा ले ना तन से ले ना ना। चलिए हम लोग बैठते हैं महादेव के मंदिर के सामने थोड़ा देर, उसके बाद फिर जाएंगे घूमने के लिए। अब इधर से किधर जाना है पता भी नहीं है। अंतरा भी थक गई है। दीपक देव चलाओ इधर, वहां तक मत जाओ। यहाँ पर से लो तो हम फोटो खींचना है, यहाँ से ऐसी वीडियो में खाली रख लेना ठीक ना। वहाँ पर हम जा रहे खा रहा हूँ ठीक ना, वीडियो में पैर धो लीजिए ना, कम कम पैर धो लीजिए। यहाँ है, यहाँ कौन है, पैर धो लीजिए। पकड़िए तनी चलाते हैं इन्हें बंद। सुविधा है मंदिर बन जाएगा तब ना ठीक रहेगा। हाँ बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, भगवान के स्थान है मंदिर। दूरी से ले झोपड़ी आते हैं नजदीक में। अरे अब उतना दूरी चल गया हो, जूम कर लेता। रुके रुके रुके, जूम है ले तू मोबाइल, पूरा रोड पर जा रहा है, दूपर है दूपर। ये हालत चल तेरा सुना, तू अब लिख के जा। दू पर तीन पर का छे बहु ना मुंह लागल त तइयो ई सब चल हटी जाना अंतरा के ले जाऊ। चल अंतर ई दू ये पर थे दू पर, आ तू काची कर देले तखने दे देले अथी करला त ई में एमे कहां लिखा छे कुछ काची दे या वीडियो में सही होता है त यहां पर ना एक दू लिखत रहे एक जान तू वहां पर जाओ पीछे से आता है।
काला गोड़ होते नीचे रहते ऊपर ना चढ़िए वहीं से प्रणाम करो इन्हें घूम के हाँ करो ना उधर भोला बाबा के प्रणाम करो हाँ हुए पास तो अंतरा बेबी मेरे प्रणाम कर रही है छोड़ दो चलो अभी तक नहीं आया भैया जाए दो हम लोग जा रहे हैं तो दोस्त पक्की सड़क से आए थे और जा रहे हैं कच्ची सड़क से चलो अंती लेना देव आगे से लेने जा आगे से जा चलिए दोस्तों अब हम लोग कच्ची सड़क से जा रहे हैं घर और थोड़ा सा हम लोग गाय के लिए हरा घास भी काटेंगे और घास में काटेंगे जनेरा गांव में बाव होता है तो चलिए मेरी सासू माँ जो है गाय पाली हुई है तो थोड़ा हम जनेरा भी काट लेते हैं उसके बाद मेरी ननद जो है लेकर चलेगी तो चलिए काटते हैं और ननद को मदद करते हैं अंजनी देवी घास कुट्टी काटेगी पहिया मह जेबो करते रहते पानी होते देव थक गया है चलिए देखिए उधर एगो ननद है जो घास लेके आ रही है दिख रहा है हल्का हल्का और हम लोग और इधर देखिए लाइन से तार के पेड़ दिखेगा तार दोनों तरफ से तार ही तार है हाँ देखिए तार के फल चूरा है बच्चा सब उठा रहे हैं ये कौची है ये क्या है क्या है उसको क्या करोगी रोपती हो फिर इसमें से तार के पेड़ जलमेगा कहाँ पानी है चलो जी जल्दी चल रही है फिर दोस्तों देखिए तार के पेड़ में से चू रहा है फल पक पक के सबके धीरे धीरे बड़का गो खंड रही रोड तो मोहनपुर निकलेगा
तो चलिए दोस्तों, हम लोग घूम कर फिलहाल आ गए हैं घर के पास। अब हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, अब यहाँ से थोड़ा दूर बचा है घर और चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिलहाल घर जा रहे हैं, मेन रोड पे आ गए हैं चार घूम के। अब इसी रास्ते से जाएंगे, दो मिनट में अपना घर पहुंचेंगे। देखिए चलिए दोस्तों, थोड़ा खेत घूम लेते हैं जाके, क्या फसल लगाए हैं पापा। देखिए ये शॉर्टकट रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। बकरी घास खा रही है। नीला बकरी, ये देखिए छोटा छोटा बकरी के बच्चा है। यह देखिए कितना रंग बिरंगा बकरी है, घास खा रही है। खाओ 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 खाओ। यह देखिए इधर भी है कितना सारा। देखिए दोस्तों, मकई कटा रहा है, इधर भी बकरी है। देखिए दोस्तों, चल रहे हैं खेते खेते। यहाँ सिर्फ भुट्टा का ही खेती हुआ है, अभी जो है फसल कट रहा है मकई का। खाली मकई का ही खेती हुआ है। देखिए भदैया मकई, भदैया सब मकई का ही खेती है, फसल कटा रहा है। इन्हीं ना काटा है, घर लगू घर से फरदा में बैठे तो देखते। देखिए यहाँ तीसी रोपा हुआ है। मामी तीसी है कच्ची है, अथी है तिल, तिल का खेती हुआ है। सब तिल जो है फर रहा है, जो मकर संक्रांति में मिठाई बनता है, बस उसका खेती है। पूरा में जनेरा और धैचा है। इधर मकई देखिए, मेरे पापा जो है मकई खेती दवाई छीट ली है तो बोलते ही ना। ए मर्दावा का ला चल ले पीछे पीछे आगे आगे से मैं घोरू है। चल चल चल। ये दोस्तों मेरे पापा यही खेती किए हैं, तिल का बाग किए हैं।
तिल का खेती जो मकर संक्रांति में लाई मिठाई बनता है वही खेती किए हैं। पूरे में देखिए फुलाया हुआ है, एक दो महीना के बाद ये कटेगा फसल। तो चलिए दोस्तों खेत घुमा दिए, अब चलते हैं घर। देखिए कितना सारा फरा हुआ है। चलिए घर। इतना दिन से अच्छे कहियो कोई गांव से पूछे पाछ न तो हम कथी हिनका पूछियो, हम तो परदेसिया आदमी हथि परदेसिया हिनका कथी भागल के नहीं नहीं कथी पूछते से एगो परेम से जे फुआ तन बैठले आ दाई गे तो अथनी परेम से न लोग तो चलिए दोस्तों घर आ गए हैं। देखिए इतना दूरी से मेरा घर कैसा दिख रहा है। बीच वाला घर देख रहे हैं वो मेरा बड़का ससुर का है, और ये साइड वाला देख रहे हैं फूल का पेड़ है वो मेरा है, और इस साइड वाला छोटका ससुर के है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बहुत थक गए हैं। तो आप मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। देखिए दीपक बैठा हुआ है।